हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स बैक इन आरती जी एमिटम रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इन फ्यूचर आप मेरा कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। आज हम पनीर टिक्का मसाला बनाएंगे। ये पनीर टिक्का मसाला हम डिट्टो रेस्टोरेंट जैसा बनाएंगे, बल्कि रेस्टोरेंट से भी बेटर हमारा ये बनने वाला है। आप अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमने सामग्री तैयार कर ली है। इसके लिए हमने दो हरी मिर्च बीच में से टुकड़े करके इसके दो टुकड़े कर दिए हैं। ये हमने टमाटर का पल्प हटा करके इसको हमने चौकोर काट लिया है। प्याज को हमने चौकोर काट लिया है। ये हमने शिमला मिर्च जिसे हमने चौकोर काट के लिया है। ये हमने पनीर लिया है जिसे हमने चौकोर काट के लिया है। ये हमने अदरक दो इंच टुकड़ा हमने ग्रेट करके लिया है। दो टेबलस्पून हमने बेसन लिया है। दो बड़े नींबू हमने जिसका हमने जूस बना के लिया है। इसमें अब हम सूखे मसाले देख लेंगे। सूखे मसालों में हम हल्दी ले लेंगे, हल्दी पाउडर। ये हमने धनिया पाउडर लिया है, मिर्ची पाउडर, नमक। ये हमने प्याज, दो बड़े प्याज हमने बारीक चॉप्ड लिए हैं, बारीक चॉप्ड दो बड़े टमाटर लिए हैं, भुने हुए जीरे का पाउडर एक चम्मच, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। ये हमने दो खड़ी मिर्ची ली है, खड़ी लाल मिर्च। ये हमने तेज़पत्ता, काजू, 4-5 काजू हम ले लेंगे। एक छोटी इलायची लेंगे, दालचीनी का बहुत छोटा टुकड़ा। ये हमने चक्री फूल लिया है एक, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची। ये हमने दही लिया है। ये हमने एक कटोरी दही को रात भर एक कपड़े में बांध करके लटका दिया था जिससे इसका पूरा पानी निकल गया है। तो ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम बिल्कुल ड्राई हो गया, इसका पानी पूरा निकल गया है। इसे आप किसी भी कॉटन के कपड़े में रात भर लपेट करके और लटका दें जिससे इसका सारा जो पानी है वो इसका बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये मैंने सारा दही एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम एक पैन में, कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। ये मैंने 2 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, जैसे आप ज़्यादा अगर जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनाना है तो तेल आपको लगेगा ही इसमें, बाकी आप कम तेल में भी इसको बना सकते हैं। ये मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके तेल गर्म होने पर गैस हमने बंद कर दी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रेड चिली ऑयल बनके तैयार हो गया है। इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद जो हमने दही जो हमने लिया था उस दही में इसको हम डाल देंगे। ये देखिए इसमें हम इसे डाल देते हैं। अब हम इसमें ये खड़े मसाले डाल देंगे, सूखे मसाले जो हमने गरम मसाले वगैरह लिए थे। अब हम इसमें हमने जो बेसन लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये हमने 3 टेबलस्पून बेसन इसमें डाला है। अब हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में सारे मसाले हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने हैं। देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स होने लगे हैं।
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें स्वादानुसार नमक, नमक हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है क्योंकि ये अलग अलग स्टेज पे थोड़ा थोड़ा ऐड होता है तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने अदरक, ये मैंने जितनी अदरक ली थी 2 इंच में से आधी अदरक मैं इसमें डाल देती हूँ, आधी हम जब इसे फ्राई करेंगे तो हम यूज़ करेंगे। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, नमक और अदरक को इस मसाले में। पानी हमें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसे भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका ड्राई सा पेस्ट बनके ये तैयार हो गया है, जिसे हमने जो वेजिटेबल्स ली थी, ये शिमला मिर्च, इस पे हम इसे अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, जिन्हें भी हमने चौकोर बड़े टुकड़ों में काट के लिया था। टमाटर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर का हमने सारा पल्प निकाल दिया है, इसे हमने अच्छी फिनिशिंग दी है। अब हम इन सारे वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इनकी कोटिंग इसमें हो जानी चाहिए। पनीर को हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है तो वो टूट सकता है, इसलिए हम उसको सबसे लास्ट में डालेंगे। अब हम इसमें ये पनीर के पीसेस डाल देंगे, इन पर भी हम इस मसाले की पेस्ट की कोटिंग कर देंगे। पनीर की कोटिंग हम हाथ से करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही आराम आराम से इसकी कोटिंग हमें करनी है, नहीं तो ये टूट सकता है। देखिए, सारी सब्जियां और पनीर हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये अब हम एक स्कीवर लेंगे जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, हमें मिल जाता है। इसमें अब हम सारी सब्जियां इस तरह से इसकी रॉड में इस तरह से इनको लगा देंगे। इस डायरेक्शन में हम ये सारी सब्जियां लगाएंगे, इसके बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम सारी सब्जियां लगा देंगे। तो ये देखिए, अब हमने इसको तैयार कर लिया है, सारी सब्जियां इसमें लगा करके। पनीर को हम बहुत ही आराम आराम से लगाएंगे क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट और टेंडर होता है तो ये टूट सकता है। तो ये देखिए, मैंने सारे वेजिटेबल्स इसमें और पनीर इसमें इस तरह से लगा के रेडी कर ली है। ये अब हम इसे हाई फ्लेम पर भुनेंगे। ऐसे जल्दी जल्दी हम इसे रोटेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पनीर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर होता है तो वो टूट करके गिर सकता है। तो इसे बहुत ही आराम आराम से रोटेट करते हुए हम सेकेंगे। तो ये देखिए, पनीर और सब्जियां हमारी वेजिटेबल्स जो है सारी अच्छी तरह से भुन गई हैं। अब जब हमारी सारी वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पनीर जब सब अच्छे से भुन गए हैं तो अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। इसे बहुत ही ध्यान से निकालें क्योंकि ये भी थोड़ा गर्म है, आप चाहें तो इसे ठंडा होने के बाद निकाल सकते हैं। अब जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है तब तक हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे और उसमें
ये हमने जो गरम मसाले लिए थे वो हम इसे डाल करके इसे अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम ये मसाले इसमें भुनेंगे। लाल मिर्च हमारी हम पहले निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी, तो इसे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए हमारे सारे मसाले भुन चुके हैं, अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम जो हमने प्याज लिया था, दो बड़े प्याज चॉप किए हुए, वो हम इसमें डाल करके भून लेंगे। देखिए प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट भुन गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च जो हमने लंबी काट के ली थी, दो हरी मिर्च, वो इसमें हम डाल देंगे। और अदरक ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें से ये हमने दो प्याज लिए थे तो हम इसमें से आधा जो है भुना हुआ प्याज वो हम कटोरी में निकाल लेंगे ग्रेवी के लिए। इस तरह से हम इसका तेल झार करके ले लेंगे। अब जो हमने चॉप टमाटर लिए थे, दो बड़े टमाटर, उनको हम इसमें डाल करके भून लेंगे। टमाटर भी हम जो दो टमाटर थे उसमें से एक टमाटर का जो हम भुना हुआ टमाटर है वो इसमें हम निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर नमक, मिर्च पाउडर ये मैंने हाफ चम्मच और नमक टू टेस्ट ये हमने डाल दिया, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, धनिया पाउडर हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा ऑयल फ्री होने तक भुनेंगे। तो ये देखिए मसाले हमारे ये भुन गए हैं। अब हम इसमें जो हमने प्यूरी बनाई थी, एक कप पानी डाल करके हमने मसालों की प्यूरी बना ली थी जो हमने भुन करके मसाले लिए थे उनकी, उसको हम इसमें डाल करके थोड़ा ऑयल फ्री होने तक भुनेंगे। ये जो हमने पेस्ट बनाया था कोटिंग के लिए उसको भी हम इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है क्योंकि ये दही है तो ये फट ना जाए, तो इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे। ये देखिए इसमें अब बॉयल आने लगा है। जब इसमें बॉयल आए तो हम जो हमने नींबू का रस लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मसाला हमारा भुनने लगा है, ऑयल फ्री हो गया है ये। तो ये तो हमारी ग्रेवी हो गई, जो रेस्टोरेंट में ग्रेवी जो है स्टोर भी हम इसको कर सकते हैं। अब इस ग्रेवी में हम ये जो हमने वेजिटेबल्स पनीर वगैरह जिसे हमें भून लिया था उनको हम इसमें डाल देंगे और बहुत ही आराम आराम से इसे चलाएंगे क्योंकि पनीर के टुकड़े ना हो जाएं। तो देखिए सब्जी हमारी अब ये बन करके तैयार हो गई है। तो हमारा पनीर टिक्का मसाला जो है बन के तैयार हो गया है, इसके हम कर लेते हैं सर्विंग। तो आप इसे पराठा, चपाती, पूरी किसी के भी साथ खाएं और एंजॉय करें। और जब भी कोई गेस्ट आए तो उसे कहिए कि बाहर से मंगाया, और तो वो ट्रस्ट भी कर लेंगे। तो आप इसे प्लीज़ एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करें और अपने
अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।